ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। चीन में फंसे उत्तर प्रदेश के जनपद एटा की दंपति। जनपद एटा के थाना जलेसर क्षेत्र के एक युवक पत्नी के साथ चीन के वुहान क्षेत्र में फंस गया है। कोरोना वायरस की दहशत से पति पत्नी दोनों घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं। यही कारण था कि जब चीन से लोग भारत लौट रहे थे तो लिस्ट में नाम होने के बाद भी दोनों भारत नहीं लौट पाए। दंपति ने भारत सरकार से स्वदेश लौटने की गुहार लगाई है। इधर भारत के एटा जिले में बुजुर्ग माता पिता बेटे के स्वदेश वापस न लौटने से बेचैन और परेशान है। एटा से जलेसर क्षेत्र निवासी आशीष यादव चीन के एक विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। साल 2019 के नवंबर महीने के आशीष अपनी पत्नी नेहा के साथ चीन के वुहान शहर गए थे। आशीष को 1 फरवरी को वापस लौटना था, लेकिन कोरोना वायरस की दहशत के चलते वह घर से भी नहीं निकल पाए। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जब भारत सरकार द्वारा लोग स्वदेश से वापस आए थे, उस समय आशीष और उनकी पत्नी को भी वापस आना था, लेकिन कुछ शब्द समस्या के चलते वह वापस नहीं आ सके। इधर भारत के 2 जिले में आशीष के बुजुर्ग माता पिता परेशान हैं। आशीष के पिता भंवर सिंह यादव ने बताया कि बेटा वापस आने के लिए कह रहा है, लेकिन फ्लाइट ना होने की वजह से वह चाइना में ही फंस गया है और पीड़ित माँ बाप के बेटे का स्वदेश से लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं आशीष की माँ सरोज ने बताया कि बेटे से आज ही बात हुई थी, 14 या 15 फरवरी में आने की बात कर रहा है। उन्होंने बताया कि बेटे ने कई जगह गुहार लगाई, भारत सरकार के मंत्रियों से भी बात हुई, लेकिन बेटा कब आएगा की जानकारी नहीं है। कई जगह बात हुई है, लेकिन अभी फ्लाइट बंद है, तो खुलेगी कभी, कहती है कुछ आ नहीं पा रही। कब तक आने की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं फ्लाइट आ जाए, मैं तो फ्लाइट बन जाएगी, खुल जाएगी, मैं तभी आ जाऊंगा। बात की जो है, क्या कह रहे थे आने को? कहा कि हमने कई बार कई दो दिन पहले कई लोगों से बात की है इंडिया में, कोई मिनिस्टर कोई विधायक कोई एमपी सांसद से भी रात बात हुई किसी से, लेकिन हम वो कह रहे हैं कोशिश करते हैं कहेंगे, वो आना चाहते हैं। लोग परेशान है इस समय, मान लो हम भी परेशान हैं, वो भी परेशान है, बार बार फोन कर रहा है कैसे आगा मैं किसी प्राइवेट रूट प्राइवेट से तो आ नहीं पाएगा। मामला संज्ञान में आया कि ट्वीट भी किया है वहाँ पर? हाँ, ट्वीट भी किया उसने आने के लिए। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट।